तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार और प्रणाम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और दोस्तों मैं भी अच्छा हूं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज संजू देहाती ब्लॉग्स पे। और तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे भीड़ से खचाखच भरा है, तो ये है रांची का बकरी बाजार का सीन दोस्तों। और यहाँ पे जो भीड़ काफी खतरनाक तरीके से भरा हुआ है और यहाँ कितने सारे बच्चे अभी तक गुम हो चुके हैं जिनके अनाउंसमेंट हो रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पे इतना सारा लोग है कि यहाँ पे चलना भी मुश्किल है। हम लोगों को यहाँ पे ढो के ले जा रहा है आदमी लोग, बस हम लोग चुपचाप यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ का भीड़ यानी कि बोल सकते हैं दोस्तों काफी जबरदस्त तरीके से भीड़ है दोस्तों। और ये देख सकते हैं, ये आगे आप लोग दिख रहा होगा तो यही है बकरी बाजार का पंडाल। तो दोस्तों मैं अभी आप लोग को बता दूं कि बकरी बाजार के पंडाल का थीम के बारे में। तो दोस्तों, जो बकरी बाजार का जो पंडाल बना है इस बार, उसका थीम है दोस्तों यहाँ जो चक्रव्यूह का। जी हाँ दोस्तों, जो महाभारत से लिया गया है इसका थीम, जो कि महाभारत में जिस टाइम अभिमन्यु जो होता है चक्रव्यूह के बीच में फंस जाता है, तो उसी का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आप लोग गोल गोल देख पा रहे होंगे। तो बगल से ये चक्रव्यूह की तरह संरचना बनाया हुआ है, बाकी जो बीच में आप लोग को रथ देखने के लिए मिलेगा वहाँ श्री कृष्ण जी आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, बाकी चलिए आगे आप लोग ले चलते हैं, फिर आप लोग फाइनली अंदर ले जाके पूरा पंडाल आप लोग को दिखाते हैं। और तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं और फाइनली अंदर ले जाकर आप लोग को अंदर का व्यू दिखाते हैं। और तो दोस्तों, फाइनली हम लोग अभी जो है कि यहाँ अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे भीड़ काफी खतरनाक तरीके से पूरा भरा हुआ है, और जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बीच में आप लोग को रथ भी देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा और आगे अभी चल के आप लोग को पूरा सारा अच्छा तरीके से दिखाते हैं। और यहाँ साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे सेना का भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ सभी लोग अभिमन्यु को घेरे हुए हैं। तो चलिए आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोग को और सामने ले चल के आप लोग को दिखाते हैं। और जैसा कि अभी आप लोग को देख रहे होंगे, नीचे में आप लोग को दिख रहा होगा जहाँ पे कि तीर भाला जो भी है एक तरह से ले के सैनिक खड़े हैं, और जो है कि अभिमन्यु को एक तरह से घेरे हुए हैं। बीच में आप लोग देख रहे होंगे जो रथ है, और जो दोस्तों इसका संरचना डिजाइन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी भव्य तरीके से बनाया हुआ है। और मुख्यतः इसको बनाने के लिए दोस्तों प्लाई हो गया, बांस हो गया, और इसी तरह से इन तरह प्लास्टिक का रस्सी हो गया, उससे मिला के पंडाल बनाया गया, और काफ़ी भव्य पंडाल बनाया गया है। और इस बार माना जा रहा है कि जो हर वर्ष की वहाँ से इस वर्ष भी जो बकरी बाजार है वो हम लोग का नंबर वन रांची में पंडाल के रूप में आने वाला है। अब बाकी देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल अभी आप लोग पंडाल का नज़ारा लीजिए और मस्ती से पूरा वीडियो देखिए। आप लोग से आगे मिलते हैं। और तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे तो दिखा दिए पूरा जो कि है कि पंडाल किस तरह से था। बाकी आगे अभी ले चलते हैं आप लोगों को, चलिए और अभी माँ दुर्गे का आप लोगों को दर्शन करवाते हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा दिखा होगा। और यहाँ लोगों का जो हुजूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए माता का दर्शन करते हैं और आप लोग को भी करवाते हैं, और जो है उसके बाद फिर हम लोग आगे फाइनली जो इस बकरी बाजार पंडाल के अंतर्गत जो भी मेला का आयोजन होता है, यानी जो जितना मेला लगता है उस तरफ ले जाके आप लोग को सारा मेला में दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और सारा कुछ आप लोग को बताने वाले हैं वीडियो में आगे। इसलिए वीडियो को आप लोग आगे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और तो दोस्तों, फाइनली हम लोग माता का दर्शन भी कर लिए, आप लोग भी कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं बाहर, और बाहर का नज़ारा कुछ यूँ है। देख सकते हैं यहाँ पे मेला जो यहाँ लगा हुआ है, काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पे जो है मेला में जितने भी चीज़ बना हुआ है लगा हुआ है, यानी कि देख सकते हैं झूला, रामधिलुआ, मौत का कुआँ, चाहे सर्कल वाला झूला हो गया, यानी कि यहाँ पे घोड़ा गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, मतलब हर प्रकार का यहाँ छोटा से बड़ा रामधिलुआ हो गया, सब चीज़ आप लोग को यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसके अलावा यहाँ खाने पीने के लिए उचित तरीके से आप लोग प्रबंध मिलेगा। और सबसे खतरनाक देखिए मौत का जो है एक झूला देख सकते हैं जो सर्कल में घूमता है,
आप लोग देख सकते हैं काफी खतरनाक तरीके से। तो दोस्तों चलिए आगे आप लोग मेला का एंजॉय कीजिए और बाकी आप लोग के साथ हम भी मेला में थोड़ा मस्ती करते हैं और आप लोग भी मस्ती कीजिए और पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बकरी बाजार का आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो फिर से आप लोग से बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसी तरह और वीडियो देखने के लिए है कि मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट प्यार अपना बना कर रखिए ताकि इसी तरह से और आने वाला दिन में जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, इसलिए आप लोग बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग से बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे और साथ सभी का एक बार फिर से रहेगा जोहार। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, जय हिंद, वंदे मातरम।